नमस्कार, न्यूज एट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड की एसीएस राधा रतुड़ी का बयान सामने आया है। बड़ा आरोप उन्होंने यूपी पुलिस पर लगाया। कहा है कि यूपी पुलिस फर्जी खुलासे करती है। यूपी पुलिस पर राधा रतुड़ी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कई बार निर्दोष लोगों को जेल भेजती है यूपी पुलिस। राधा रतुड़ी की तरफ से कहा गया, निर्दोषों को जेल भेजकर घटना का खुलासा किया जाता है तो एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है एसीएस राधा रतुड़ी की तरफ से। उत्तराखंड की एसीएस है राधा रतुड़ी, जिन्होंने यूपी पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। यूपी पुलिस फर्जी खुलासे करती है, राधा रतुड़ी की तरफ से कहा गया है। कहा है कि यूपी पुलिस कई बार निर्दोष लोगों को जेल भेजती है और निर्दोषों को जेल भेजकर घटना का फिर खुलासा किया जाता है। बेहद ही बड़ा और गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर एसीएस राधा रतुड़ी की तरफ से लगाया गया है। उत्तराखंड की एसीएस राधा रतुड़ी, जिन्होंने कहा कि यूपी पुलिस फर्जी खुलासे करती है और निर्दोषों को जेल भेजती है, कई बार निर्दोष लोगों को जेल भेजने के बाद घटना का खुलासा किया जाता है। आखिर इनके इस बयान के क्या मायने, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। लेकिन एसीएस राधा रतुड़ी ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि यूपी पुलिस निर्दोष लोगों को जेल भेजती है और फर्जी खुलासे किए जाते हैं। निर्दोषों को जेल भेजने के बाद घटना का खुलासा किया जाता है, एक बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। तो उत्तराखंड की एसीएस राधा रतुड़ी की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि यूपी पुलिस फर्जी खुलासे करती है, यूपी पुलिस निर्दोष लोगों को जेल भेजती है। बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए उत्तराखंड की एसीएस राधा रतुड़ी नजर आए। जो क्राइम है वो सॉल्व होनी चाहिए और सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए, और किसी निर्दोष को पकड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया, ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। तो अपराध का सही सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कई बार यूपी पुलिस क्या करती, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया, ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। तो अपराध का सही सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अगर हम यूपी से कंपेयर करें, हम अलीगढ़ और इलाहाबाद में थे, जितना एक साल में मर्डर डकैती लूट एक जिले में है वहां, उतना हमारे प्रदेश में नहीं है पूरे में। तो उत्तराखंड की एसीएस राधा रतुड़ी की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जाता है, उसके बाद घटना का खुलासा कर दिया जाता है, और उन्होंने सीधा आरोप ये यूपी पुलिस पर लगाया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि यूपी पुलिस कई बार ऐसा करती है कि फर्जी खुलासे करती है, निर्दोष लोगों को जेल भेजती है, लेकिन किस ओर उनका ये इशारा था, ये एक बड़ा सवाल। एसीएस राधा रतुड़ी ने यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। क्राइम हुआ और उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर आगे करा जाता है, उसमें उन्होंने कहा है कि सही तरीके से हर प्रोसेस को करना चाहिए और निर्दोषों को सजा नहीं देनी चाहिए। अपर मुख्य सचिव के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने हमला किया। गरिमा दासोनी ने कहा है कि यूपी पुलिस पर सवाल खड़े करने से पहले अपने दामन को जरूर झांक लेना चाहिए। सुनिए। कि इस परिवार में जो पार्टी के शीर्ष पद पे है उनके साथ घटना हुई है और ये अफसोसजनक है। मैं आज उसी के तहत यहाँ से अपना अफसोस जाहिर करने आया था। और हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, एसीएस राधा रतुड़ी का ये कहना कि यूपी पुलिस कई बार फर्जी खुलासे करती है, कई बार निर्दोष लोगों को जेल भेजती है, उसके बाद खुलासा किया जाता है, किस संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया होगा और क्या मायने इस बयान के निकाले जाए? सुरेंद्र, देखिए, उत्तराखंड में पिछले 2-3 दिनों में करीब बड़ी बड़ी कुछ आपराधिक घटनाएं हुई हैं। जसपुर में जिस तरीके से हुआ था, उत्तर प्रदेश और
उत्तराखंड पुलिस के बीच का विवाद, उसमें महिला की मौत हो जाती है, उत्तर प्रदेश पुलिस दबिश के लिए पहुंचती है और उसके कुछ घंटों बाद काशीपुर में एक स्टोन क्रशर मालिक की हत्या हो जाती है। देहरादून के अंतर्गत आने वाले डोईवाला में कैबिनेट मंत्री के भाई के घर में करोड़ों की डकैती हो जाती है। कल शाम हरिद्वार जनपद में पुलिस टीम पर फायरिंग हो जाती है। इन तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को टाइट किया था, उनकी क्लास ली थी और उसके बाद आज अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी पहुंची थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। उनके साथ डीजीपी थे, उनके साथ मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव थे और साथ में इंटेलिजेंस के आईजी थे, तमाम लोग मौजूद थे। तब वो ये बता उनसे ये पूछा गया कि उत्तराखंड में जो घटनाएं हुई हैं उनका खुलासा आप कब तक करेंगे, किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये कहा है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे नहीं हैं जो निर्दोषों को ही जेल भेज दे, यानी वो फर्जी खुलासे करती है उत्तर प्रदेश पुलिस, और हम इस तरह के खुलासे नहीं करेंगे। उनके पास इसका आधार क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो उत्तराखंड में शासन में नंबर दो की अधिकारी हैं। मुख्य सचिव एस एस संधू के बाद नंबर दो पर वो आती हैं। अपर मुख्य सचिव गृह तो वो हैं, उसके साथ साथ वो अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के पद को भी संभालती हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की बड़ी वरिष्ठ अधिकारी हैं। उत्तराखंड में संभवतः आने वाली डीजी आने वाली मुख्य सचिव भी होंगी भविष्य में। उन्होंने ये बयान दिया तो हम इस बयान को गंभीरता से लेते हैं और शायद उनके पास इनपुट होंगे तभी उन्होंने इस तरीके का ये बयान दिया होगा, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस फर्जी तरीके से खुलासे करती है और निर्दोष लोगों को जेल भेजती है, और उनका ये कहना है कि ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया, हालांकि वो इनपुट्स उनके पास ही होंगे कि किस आधार पर उन्होंने यह आरोप लगाया है। राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस पर यह आरोप लगाया कि वो निर्दोषों को जेल भेजती है और कई बार फर्जी खुलासे करती है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बलदेव सिंह औलख उद्धम सिंह नगर पहुंचे थे, जहां पर मंत्री ने भरतपुर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज फुल्लर के घर जाकर उनको सांत्वना दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की दबिश के दौरान हुई फायरिंग में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज फुल्लर की पत्नी गुरप्रीत कौर की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब यूपी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे और परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते वहां नजर आए। तो उसी दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मंत्री जी पहुंचे थे ब्लॉक प्रमुख के घर पर। कुंडा की ये तस्वीर आप देखिए, सरकार के कैबिनेट मंत्री बलदेव सिंह औलख उद्धम सिंह नगर पहुंचे और मंत्री ने भरतपुर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख कुरताज फुल्लर के घर पर उनको सांत्वना दी। उत्तर प्रदेश पुलिस की दबिश के दौरान वहां फायरिंग हो गई थी और उस फायरिंग में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज फुल्लर की पत्नी गुरप्रीत कौर की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब यूपी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। कि इस परिवार में जो पार्टी के शीर्ष पद पे है उनके साथ घटना हुई है और ये अफसोसजनक है। मैं राजू सिंह के तहत यहां से अपना अफसोस जाहिर करने आया था और जो भी कानून है कानून अपना काम कर रहा है, अधिकारियों से बात करेंगे और जो सही होगा वो होगा। चमोली में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनने पर नगर में भव्य महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें 200 सालों बाद ऐसा पहली बार होगा कि जब तीनों पीठों के शंकराचार्य एक साथ मौजूद होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गोवर्धन मठ के शंकराचार्य की आपत्ति के बाद ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है। तो भव्य महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और उसी महासम्मेलन में तीनों पीठों के शंकराचार्य जो होंगे वो मौजूद होंगे। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा देश में चार शंकराचार्य पीठों की स्थापना की गई थी। इस समय हम ज्योतिर्मठ पीठ में हैं, जहां पे पूरे देश के पश्चिम
उत्तर दक्षिण के शंकराचार्य यहाँ पे मौजूद होंगे। एक महासम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया गया है, पीठ से जुड़े हुए हैं और हम लोग यहाँ पे हमारे एक विशाल सम्मेलन हुआ है जिसमें आध्यात्म से जुड़े हुए लोग मतलब एकत्रित हुए हैं और हम सनातन धर्म के लोग हैं और यहाँ पे तीन हमारे देश के तीन बड़े मठों के शंकराचार्य भी आए हुए हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा सम्मेलन हुआ है जिसमें हम अपने आप को धन्यवाद मानते हैं जो हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा धन्यवाद मानती हूँ। मैं एक सनातन धर्म की हूँ। कुछ ही देर में महासम्मेलन शुरू होगा जिसमें स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय जो परंपरा है पौणा नृत्य और जो कलश यात्रा होगी और जो शोभा यात्रा के साथ तीनों शंकराचार्य रविग्राम मैदान में पहुंचेंगे उसको लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली। सीएम पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के दौरे पर है। अपने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान सीएम धामी सागर जिले में स्थित एक महार रेजिमेंट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। आज